हाँ भाई, तो हम लोग ये तीसरे वीडियो की तरफ हम लोग चलेंगे। 200 क्वेश्चन तक हम लोगों ने दो वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम लोग 300 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रथा के चलते 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 जहाँ है। ओके ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 201 नंबर क्वेश्चन से। भारत ने किन दो देशों के साथ मिलकर पहले त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सित मैक्स 2019 किया? सिंगापुर, थाईलैंड। किस देश ने जलवायु परिवर्तन के साथ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की? फ्रांस। पीटर मुथिरिका पुनः किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? मलावी। मलावी किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई? उत्तर प्रदेश। जुलाई 2019 में प्रीति पटेल किस देश में भारतीय मूल की पहली गृह सचिव बनी? ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? सर्बिया। चक्रवाती तूफान गज ने हाल ही में किस राज्य में सर्वाधिक तबाही मचाई? तमिलनाडु। जनवरी 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? अर्पणा कुमार। बिहार राज्य में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त एक नया टाइगर रिजर्व विकसित करने की घोषणा की, यह किस जिले में विकसित किया जाएगा? कैमूर जिला। आम बजट 2019-20 में जीरो बजट फार्मिंग की बात की गई, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसका विकास कर्नाटक से हुआ। इस खेती का श्रेय श्री सुभाष पालेकर को जाता है। इसमें शून्य कर्ज का व बिना रासायनिक इनपुट का इस्तेमाल किए खेती की जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2019 अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका विषय है प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन। किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दुगना करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? किसान क्रेडिट प्रोग्राम। हाल ही में जारी स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? माता वैष्णो देवी। हाल ही में रॉबर्ट मुगावे का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जिम्बाब्वे का। हाल ही में राम जेठमलानी का निधन हो गया, उनका संबंध क्षेत्र है वकालत। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने यूएस
ओपन 2019 का खिताब जीता है। राफेल नडाल हाल ही में रोजर फेडरर को किसी सेट में हराने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने? सुमित नगाल विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? कोमालिका बारी किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला? अमेजन। केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल कर दी है? 60 वर्ष। RAC नामक उच्च शिक्षा मॉड्यूल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? राजस्थान। BCCI द्वारा हाल ही में किसे भारतीय टीम का नया प्रायोजक घोषित किया गया? वाइजूस। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हॉल ही में कौन बने? सचिन तेंदुलकर। सितंबर 2019 में किस भारतीय को अमेरिका में शिक्षा से संबंधित द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? आनंद कुमार। हाल ही में किस देश ने पहली बार पर्यटकों को टूरिस्ट वीजा प्रदान करने की घोषणा की है? सऊदी अरब। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 102। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारिक केंद्र की शुरुआत की गई? उड़ीसा। इसका आंसर क्या था? 229 का उड़ीसा हो गया आपका। ओके 228 ये यहाँ पे है ना। निम्नलिखित में कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने? जेम्स मरापे। और 229 का क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य में देश के पहले महिला व्यापारिक केंद्र की शुरुआत की गई? नंबर मिसमैचिंग हो गया था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में, इसके लिए हम सॉरी, बहुत बहुत सॉरी दोस्तों, आप हमें माफ़ कर दें कृपया। सित मैक्स 2019 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के माध्यम और किन देशों के मध्य आयोजित किया गया?
हो जाएगा इसका, सिंगापुर, भारत, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो इसका है अमेरिका। माइंड मास्टर विनिंग लेंसेस फ्रॉम चैंपियनशिप लाइफ पुस्तक के लेखक हैं, कौन है लेखक? विश्वनाथ आनंद। फीफा वर्ल्ड कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता? स्पेन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को हिंदी सहित 6 क्षेत्रीय भाषाओं में वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं, यह भाषाएं इनमें से कौन हैं? असमिया, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मराठी। आम बजट 2019-20 MRO फार्मूला अपनाने की बात कही गई है, यहाँ MRO से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया है, यह शहर किस देश में है? इराक में है। चिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को किस देश से आपूर्ति की जा रही है? अमेरिका। प्रेस की आज़ादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? लंदन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? किरण मोरे। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? हिमा दास को। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 180। हाल ही में कौन सा शहर पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना? लंदन। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? 10 मीटर एयर राइफल। 18वां सरस्वती सम्मान 2018 के शिवा रेड्डी को किस भाषा के लिए प्रदान किया गया? तेलुगु। अप्रैल 2019 को विश्व का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल किस देश में आम जनता के लिए गया? सिंगापुर। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाण वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अप्रैल 2019 में किस देश को ODI क्रिकेट टीम का दर्जा प्रदान किया? ए और बी मीन्स USA और ओमान। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को।
250 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया जिसका थीम था हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ आरंभ हुआ? ब्रिटेन। विश्व का पहला मुस्लिम योग शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड। नई गठित कैबिनेट मंत्री में मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न में से कौन हैं? रमेश पोखरियाल। हाल ही में किस देश ने शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2019 का पर्पल कैप का खिताब जीता? इमरान ताहिर। प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? सिक्किम। सिम्बेक्स 19 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य अभ्यास है। हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? भारत की रैंकिंग 259वीं मीन्स 17वीं लोकसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तमिलनाडु में स्थित बेलूर का चुनाव स्थगित किया गया, ये गलत है। यह चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ, ये सही है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में 12 बड़े ईवीएम का प्रयोग किया गया, सही बात है। लोकसभा चुनाव के परिणामों के पश्चात महिला सांसदों की भागीदारी 78 रही, ओके सही बात है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए तिजानी मोहम्मद बंदे का संबंध किस देश से है? नाइजीरिया। द पॉलिटिक्स ऑफ चेस के लेखक निम्न में से कौन है? सवा नकवी। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की जाएगी? गोवा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के संबंध में कौन सही नहीं है? इसकी शुरुआत वर्ष 2014 से की गई, गलत बात है। यह 21 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2019 का थीम योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन था, सही बात है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है, सही बात है। भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तेलंगाना। हाल ही में किस भारतीय को मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल से सम्मानित किया गया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2019 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक स्पेस द्वारा जारी किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को कानून की मान्यता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? ताइवान। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। पुनर्गठन नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नरेंद्र मोदी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की गई? अरुणाचल प्रदेश। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के विवाह के लिए 1 तोला 11.34 ग्राम सोना देने की किस राज्य ने घोषणा की? असम राज्य। इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? मध्य प्रदेश। किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया? कर्नाटक का। किस देश में सॉवरेन इंटरनेट कानून को लागू किया गया है? रूस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसओ ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? 2030। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? 95। हाल ही में किस देश के बैंक ने गुरु नानक देव की जयंती पर स्मारक सिक्का जारी किया है? नेपाल। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? पीके मिश्रा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? यूके सिन्हा समिति। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? संदीप शास्त्री। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2019 की थीम विषय क्या था? कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटे। मरुस्थलीकरण पर अंकुश हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD की COP 14 का आयोजन सितंबर 2019 में कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। फ्रांसीसी ओपन 2019 की महिला एकल के विजेता कौन हैं? एस्ले वार्टी।
ए रूलर मैनिफेस्टो के लेखक कौन हैं? फिरोज गांधी। फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 अमेरिका ने किस देश को हराकर जीता है? नीदरलैंड्स। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2013 का आयोजन किस देश में होगा? भारत में। सिन्यू मैत्री वायुसेना अभ्यास में किन दो देशों के बीच किया गया? भारत और जापान। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय या आयोग द्वारा जारी किया गया? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? रवीश कुमार। विश्व कबड्डी कप 2019 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? पंजाब में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग द्वारा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 का प्रथम संस्करण जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? केरल को मिला। हाल ही में देश के सबसे युवा जज कौन बने हैं? मयंक प्रताप सिंह। यूरोप के मध्य क्षेत्र में उटरेच विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए आठवें महाद्वीप का नाम है? ग्रेटर एंड्रिया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोवा का स्थान चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन चुने गए हैं? राकेश जी भदौरिया। पुस्तक रीसेट रेंगिंग इंडिया की आर्थिक विरासत, जिसका विमोचन प्रणव मुखर्जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, पुस्तक के लेखक हैं? सुब्रमण्यम स्वामी। हाल ही में फिल्म गली बॉयज को ऑस्कर 2020 के लिए नामित किया गया, इसके निर्देशक हैं? जोया अख्तर। पुस्तक टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स के लेखक हैं कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी, मींस ए भी आंसर। राहुल अग्रवाल और भारतीय प्रधान दोनों लेखक हैं, द मोदी ईयर्स के लेखक। ओके, तो दोस्तों ये 300 नंबर तक आप लोगों ने देख लिया डिस्कशन, तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। 301 नंबर से अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।